स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। हमारे ट्यूटोरियल का नाम है स्टडी ट्यूटोरियल, बाकी डिटेल्स ऊपर दिया हुआ है। आज हम लोग का ये है वीडियो नंबर 10। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। ये वीडियो है हमारा क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग का वीडियो नंबर 10। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 मटेरियल इज 15 पर केजी एंड टाइप 2 मटेरियल इज 20 पर केजी। हमारे पास दो तरह का मटेरियल है, पहला मटेरियल है टाइप 1 मान लेते हैं और दूसरा मटेरियल हमारा टाइप 2। तो पहला तरह का मटेरियल जो है उसका रेट है 15 रुपये पर केजी का रेट है और दूसरा मटेरियल जो है वो 20 रुपीज पर केजी का रेट का है। ये बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 को दोनों को मिलाते हैं 2:3 का रेशियो में, देन व्हाट इज द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स वैरायटी ऑफ मटेरियल। तो जो हमारा मिक्स वैरायटी बनेगा उसका पर केजी का रेट 1 किलो का दाम कितना होगा। तो देखिए हम लोग किस हिसाब से मिलाएंगे, 2:3 है मतलब पहला वाला हम 2 किलो लेंगे तो तीसरा वाला हम लोग कितना किलो लेंगे, 3 किलो, क्योंकि रेशियो दे दिया 2:3। तो 15 वाला हम 2 किलो ले लिए और 20 वाला हम लोग 3 किलो ले लिए। तो क्या रेट पड़ गया हम लोग को, 15 × 2 = 30 और 20 × 3 = 60, यानी कि 90 रुपये का हो गया माल। तो ये 90 रुपये में हमारे पास कितना किलो मिल गया, 5 किलो। तो ये 5 किलो का रेट है अगर 90 रुपया, तो 1 किलो का रेट कितना हुआ, क्योंकि हम लोग को मिक्स वैरायटी का 1 किलो का रेट बताना। तो 1 किलो का रेट कितना हो गया, 90/5, 5 × 2 में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 18 रुपये आएगा। तो 1 किलो का दाम हो गया 18 रुपये, सिंपल खत्म आंसर। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, ए मिक्सचर ऑफ 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है, और ये कितना लीटर है, 30 लीटर। हाँ, मिल्क एंड वाटर कंटेन 30% ऑफ वाटर, जिसमें से क्या है, 30% वाटर है। तो 30 लीटर है तो दोनों टोटल, 30% हो गया हमारा 9 लीटर। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं, 30% निकाल लिए, इंटू का डिवाइड करके कट गया, 3 × 3 = 9 लीटर आ गया। तो 9 लीटर हमारा इसमें से पानी है, 30 में से अगर 9 लीटर पानी है मतलब उसमें हम लोग का 21 लीटर रहा होगा मिल्क। ये हम लोग का 30 लीटर का जो मिक्सचर है इसका रेशियो पता, इसमें क्वांटिटी पता चल गया दोनों का। द न्यू मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 10 लीटर ऑफ वाटर। नया मिक्सचर जो हम बना रहे हैं 10 लीटर पानी मिला के बना रहे हैं। कितना लीटर पानी, 10 लीटर मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो वाटर कितना परसेंट है नया मिक्सचर का, ठीक है। तो देखिए वाटर है कितना, पहले 9 लीटर पहले से था, 10 लीटर मिला दिए तो 19 लीटर हो गया, और मिल्क हमारा कितना, वही 21 लीटर ही है, क्योंकि मिल्क के साथ हम लोग बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो बताना है कि कितना परसेंट है पानी, पानी है कितना, पानी है हमारा 19 लीटर, और टोटल हमारा मिक्सचर कितना है, टोटल हमारा मिक्सचर है 19 + 21 40 लीटर, है कि नहीं। परसेंटेज जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, 19/40 × 100, कैसे, 40 लीटर में से 19 लीटर पानी है, 40 लीटर में से 19 लीटर पानी है, बन गया। परसेंटेज निकालना है तो × 100 × 10 डिवाइड के 10 कट गया, 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, और तो कटेगा नहीं, 19 × 5 95/2, तो 95/2 हो गया हमारा 47.5%। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इसमें पानी कितना है, 47, नया मिक्सचर में पानी हमारा कितना रेशियो में होगा, 47.5% होगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टी वर्थ ऑफ रुपीज 135 पर केजी एंड 126 पर केजी आर मिक्स्ड विद ए थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1:1:2। हम लोग के पास क्या है, चाय है, तीन वैरायटी का चाय है, एक तो 135 रुपये किलो वाला है, दूसरा 126 रुपये किलो वाला है, और तीसरा का रेट हमको नहीं पता, और तीनों को हम लोग मिला रहे हैं, किस रेशियो में मिला रहे हैं, 1:1:2 का रेशियो में मिला रहे हैं। इफ़ द मिक्सचर वर्थ इज 135 पर केजी, तो जो नया मिक्सचर बन रहा है उसका रेट कितना है, 153 एक किलो का दाम है जो मिक्सचर है उसका, थर्ड वैरायटी पर केजी विल बी, हाँ द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी पर केजी विल बी। तो तीसरा वैरायटी का 1 किलो का क्या दाम है ये हम लोग को बताना है। तो ठीक है हम लोग इसी हिसाब से कर लेते हैं। तो रेशियो कितना है, 1:1:2, इसका मतलब ये है कि अगर 1 केजी पहला वैरायटी है, 1 केजी दूसरा वैरायटी होगा और 2 केजी हमारा तीसरा वैरायटी होगा, तो
तो पहला वैरायटी को हम लोग 1 किलो ले ले रहे हैं 135 × 1, दूसरा वैरायटी फिर ऐड कर रहे हैं वो 126 रुपये वाला भी 1 किलो ले ले रहे हैं, और तीसरा वैरायटी एक्स पता नहीं वो 2 किलो लेना है क्योंकि दोनों एक एक लिए हैं तो ये हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कितना किलो बन गया, ये 4 किलो का रेट हो गया, पता चल गया। 1 किलो का रेट जानना है तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 1 किलो लिए, 1 किलो लिए, ये 2 किलो लिए, टोटल बना 4 किलो। 1 किलो का रेट जानना है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से मिक्सचर का 1 किलो का रेट कितना, 153, मतलब ये साइड और ये साइड हमारा बराबर है, तो इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा तीसरा वैरायटी का 1 किलो का दाम कितना होगा। तो 135 × 1 = 126 और x इंटू 2 2x / 4 = 153। तो हम लोग 4 जो यहाँ बाय में है इक्वल टू उधर ले जाते हैं, वो हो जाएगा इंटू, तो आ गया हम लोग का 135 + 126 कितना हो जाएगा 261 + 2x = 153 × 4, 4 × 3 = 12, 1 × 5 = 20, 1 × 21 = 21 का 2 हाथ में 4 × 4 = 2, 612 हो गया। तो 261 यहाँ प्लस में, उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, तो 612 - 216, तो 2x निकल जाएगा। तो 2 से 6 गया 12 से 6 गया 6 60 से 21 गया तो कितना होगा 39, तो आ गया हम लोग का 396। तो एक्स हो गया हम लोग का 396/2, कितना हो जाएगा 2 × 2 9 / 18 = 188 रुपये। तो इससे हमको समझ में आ गया कि तीसरा वैरायटी का रेट कितना रहा होगा, 198 रुपये पर किलो का रेट रहा होगा। तो देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समझ खत्म हो गया है। अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं ना। ए मर्चेंट हैज 100 kg of sugar, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी था जिसमें से एक पार्ट वो 8% प्रॉफिट में बेचा, है ना, और बाकी का वो 18% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है ना। ही गेन 14% ऑन द होल, और दोनों पूरा दोनों का मिलाकर वो देखेगा तो उसको एक्चुअली में 14% प्रॉफिट हुआ था, एक्चुअली में 14% प्रॉफिट हुआ है। तो क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज, तो बताना है कि 18% प्रॉफिट करके वो कितना क्वांटिटी कितना किलो बेचा है। तो देखिए जो प्रॉफिट का रेशियो है इसको हम लोग ऐसे क्रॉस निकालेंगे, ऐसे क्रॉस निकाला जाता है, इसमें एक ट्रिक है। देखिए 8 और 14 का यहाँ पे कितना फर्क आ गया, 6% आया, बड़ा से छोटा माइनस किया, 14% से 8% माइनस किया आ गया 6%, और 18% से 14% माइनस किए तो आ गया 4%। इसका दोनों का डिफरेंस इधर नहीं लिखा था, इधर लिखा था, और इन दोनों का डिफरेंस इधर नहीं लिखा कि इधर लिखा था, ऑपोजिट होता है रेट और क्वांटिटी का दोनों का रेशियो, इसीलिए उल्टा लिखा था। तो अब हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे, आया हम लोग का कितना 4 और 6, काट देंगे आगे हम लोग का 2 और 3। तो हम लोग का 1000 किलो में से 2:3 का रेशियो में है, मतलब 8% प्रॉफिट वाला है 2, तो 18% प्रॉफिट वाला है 3, तो 2 और 3 का टोटल कितना हो गया 5, तो पहला का रेशियो हो गया 2/5 और दूसरा का रेशियो हो गया 3/5। तो हम लोग का 18% प्रॉफिट का रेशियो कितना है 3/5, तो हम लोग का 18% प्रॉफिट वाला क्वांटिटी जो है वो कितना है देखते हैं, क्वांटिटी कितना है 3/5 निकालना है किसका, 1000 का, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये 2 0 ऊपर चला गया, 200 × 3, तो आ गया हमारा 600 किलो। इसका मतलब हमारा 18% प्रॉफिट में उन्होंने उसने 600 किलो बेचा होगा और 8% प्रॉफिट में बाकी का यानी कि 400 किलो बेचा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो देखिए ये अब हम लोग यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो यूनिट 2 हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए मिक्सचर ऑफ 150 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 20% ऑफ वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, वाइन है और वाटर है, कितना है 150 लीटर है ये मिक्सचर, कितना है 150 लीटर है, एंड वाटर कंटेन्स कंटेन 20% वाटर, जिसमें कितना है 20% पानी है। तो 150 का 20% निकाल लेते हैं, 1010 कटा 1010 कटा 15 × 30, यानी कि पानी जो है हमारा कितना है 30 लीटर है,
तो 150 लीटर में से 30 लीटर पानी है, तो वाइन हमारा रह गया होगा 120 लीटर। इससे हमको पता चल गया यहाँ तक में हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी हम लोग मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे सो दैट द वाटर बिकम 25%। तो नया मिक्सचर का जो वाटर होगा वो कितना होगा, 25% होगा। तो देखिए, हम ऊपर हम लोग वाइन रखते हैं, नीचे हम लोग वाटर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे रेशियो में है इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120/30 वाइन और वाटर का मिक्सचर। हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर में कितना ऐड कर रहे हैं पता नहीं, एक्स ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स लीटर, तो हम लोग उसको मान ले रहे हैं एक्स। तो हमारा जो आगे क्या बन जा रहा है, बिकम 25 है, सो दैट द वाटर बिकम 25% ऑफ न्यू मिक्सचर। पानी जो है नया मिक्सचर का कितना है, 25%। तो नया मिक्सचर का वाटर कितना है, 25%। अगर 25% वाटर है और बाकी का वाइन है, मतलब 100% में से 25% माइनस कर दो, यानी आ गया हमारा 75%। मतलब यहाँ पे हमारा 75% वाइन है और 25% हमारा क्या, वाटर है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि वाटर में हम लोग को कितना ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 25 डिवाइड में इक्वल टू किधर आएगा, इंटू हो जाएगा 120 × 25 इक्वल टू 30+x यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू उधर जाके वो हो जाएगा हमारा इंटू। तो 120 × 25 कितना होगा, 3000। यहाँ हो गया 75 × 30, तो जीरो साइड रख दिए, 5 × 3 = 15, एक हाथ में, 7 × 21 22, 2250 प्लस 75 × x 75x, फिर 2250 यहाँ इंटू में, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2250, तो आ जाएगा हम लोग का 75x। इससे इसको माइनस किए तो आगे हम लोग का 750 इक्वल टू 75x, 75 इंटू में है, इक्वल टू इधर आके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x पता चल जाएगा 75 बन जाए 75, 75 बन जाए 75, और ये जीरो ऊपर चला गया, आ गया 10, तो x आ गया हमारा 10। तो इसका मतलब हम लोग वाटर और कितना मिक्स करेंगे, 10 लीटर, क्योंकि x आ गया हमारा 10 लीटर। थैंक यू।